हेलो टू ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बेटर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो जैसे आप सब जानते हैं कि मैं आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करा रही हूँ स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2024 की। और यहाँ पे जो टुडे सेशन है वो है स्पेशल CDP प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर CDP के। यहाँ पे जो है पेपर वन और पेपर टू दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होगा। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 CDP पेपर वन और पेपर टू, पेपर में छपने वाले सारे MCQs। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं जो आपको ये MCQs कराऊंगी ना, ये सारे सॉल्व पेपर से ही आपके मैंने MCQs जो है इंक्लूड किए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशन है। सो बाय शिमानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू आपको ये सेशन यहाँ पे कराया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ, देखो टेलीग्राम पे मैं आपको जो है वीडियोस का लिंक सेंड करती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ये कहते हैं कि मैम ये आप नहीं हो, नहीं भाई ये मैं ही हूँ शिवानी सिंह। ओके, तो चलो फिर अब जो है हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन जो है हम लेके आए हैं आप सबके बीच में, और इसको हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलो अब जो है स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चंस भी आ चुका है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलो देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है और हम यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट त्याग चर्चा करता है। तो यहाँ पे देखो, शारीरिक होगा, गत्यात्मक, सामाजिक या फिर संज्ञानात्मक। देखो अनेक स्थितियों में, यहाँ पे जो है अनेक स्थिति की बात की है, यानी कि हर एक फील्ड में, हर एक बैकग्राउंड हो या फिर कुछ भी हो, हर एक फील्ड में ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या प्रॉब्लम, यहाँ पे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की भी स्पष्टता, यानी कि आपकी हर एक फील्ड की जो क्या करता है, हर एक फील्ड का डेवलप करता है, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा। अब देखो, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक नहीं, जो संज्ञानात्मक है ना, यहाँ पे संज्ञानात्मक, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। क्या है इसमें? सारी चीज़ें इंक्लूड है आपकी संज्ञानात्मक, जो आपको संज्ञानात्मक है, इसमें शारीरिक विकास भी होगा, इसमें गत्यात्मक विकास भी होगा, इसमें सामाजिक विकास भी होगा, संस्कृति विकास भी होगा, इसमें बिल्कुल आपकी फुल बॉडी का बिल्कुल सारा आपको यहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा। आपके माइंड की योग्यता, आपका IQ लेवल किस जो है बेस तक आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। यानी कि हम एक ऑप्शंस को क्यों चूज़ करें कि बस हमने शारीरिक चूज़ कर लिया, गत्यात्मक या फिर सामाजिक। जो संज्ञानात्मक शब्द होता है ना, कोग्नेटिव जो शब्द है ना संज्ञानात्मक, ये संज्ञान यानी कि इसमें हर एक जो है पॉइंट्स में आपका जो है इसमें सारी चीज़ों का डेवलप होता है इसमें, वो चाहे आपका शारीरिक विकास हो, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, या फिर आपका मानसिक विकास हो, आपकी जो है मेंटेलिटी IQ लेवल का डेवलप हो, या फिर यहाँ पर कहें हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, खाते पीते हैं, तो इसमें सभी चीज़ जो है हमारे इंक्लूड है संज्ञानात्मक विकास में। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। इसमें हम चाहे तार्किक चिंतन कर रहे हैं तो कहाँ से, अपने माइंड से ही सोचेंगे, IQ लेवल से हम यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ से रिलेटेड होगी, आपकी संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें देखो, संज्ञानात्मक विकास वही होता है, आपको क्या करना है, एक मैं आपको ट्रिक भी बता दे रही हूँ। देखो, अगर ऑप्शंस में इस तरह के जो है क्वेश्चंस इस तरह पूछा हुआ है और ऑप्शंस जो है आपके इस तरह हैं और ऑप्शंस अलग अलग हैं, और अगर आपका एक ऑप्शन संज्ञानात्मक भी है ना, तो बिल्कुल 100% श्योर है, 100% क्या है श्योर है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपका संज्ञानात्मक ही करेक्ट आंसर बने, क्योंकि संज्ञानात्मक में सामाजिक, गत्यात्मक, शारीरिक, ये तीनों इंक्लूड हैं। संज्ञान का मतलब पूरी हर एक यहाँ पे पार्ट्स का आपका क्या डेवलपमेंट। तो चलो फिर अब यहाँ पे देखो जो है सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही बेहतरीन सा आपका क्वेश्चन है, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है, ज़बरदस्त मस्त वाला क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, विकास से ब्लैंक की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र, विशिष्ट से सामान्य। तो विकास जो है किस ओर बढ़ता है, आपका जो डेवलपमेंट है, विकास, विकास की डेफिनेशन बिल्कुल आप सब जानते हैं, विकास जो होता है आपकी माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, बिल्कुल अंत जो है मृत्यु तक आपका चलता है, जब तक आप में सांसें हैं, आप जो है किसी भी स्टेज में हैं। देखो भाई, यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी जो है बालक, छोटे बालक, शिशु जो जन्मजात होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो डेवलप था बस वहीं तक ही था जब तक उसमें सांस थी। और भैया आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो कितने भी साल का बच्चा है, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 10, 15, देखो कितना भी है ना,
यहाँ पे जो है डेथ हो जाती है, तो बस उसका जो डेवलप है उतना ही होना था यहाँ पे, तो इस तरह से। और अगर यहाँ पे जो है कोई बंदा क्या हो गया, ओल्ड हो गया पूरा, क्या वृद्धावस्था में पहुँच गया, ओल्ड हो गया, तब उसकी डेथ हो गई, तो तब तक भी उसका क्या होगा, डेवलपमेंट कंटिन्यू यहाँ पर होगा। तो बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो विकास जो है किस ओर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी विशेष से सामान्य की ओर नहीं होता। बताइए क्या आप जब यहाँ पे क्या है स्कूल्स में, जब विद्यालय में आपका एडमिशन होगा, क्या आपको सर पहले ये बताएंगे कि एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, क्या सर आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे? नहीं भाई, सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे, ए सिखाएंगे, ओनली ओनली क्या सिखाएंगे, सबसे पहले आपको टीचर्स ओनली ए सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे भाई, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ए सिखाया जाएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से आपको पहले जो है सिखाया जाएगा। पहले आपको 1 2 3 4 5 इस तरह सिखाया जाएगा आपको, एकदम ये नहीं सिखाया जाएगा कि बताओ यहाँ पे जो है 234 या फिर 505 इस तरह से आपको संख्या, क्योंकि अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है, और अभी आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपका एडमिशन हुआ है, कि आपको जो है एकदम हम एप्पल सिखा दें, नहीं, पहले हम आपको ए सिखाएंगे, यानी कि पहले हम सामान्य से चलेंगे, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे, फिर सामान्य से हम कैसे बढ़ेंगे, विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे। आप बताइए क्या जब आप आपके यहाँ पे जो है विद्यालय में एडमिशन होता है, क्या तुरंत से आपको जो है टीचर्स लोग यहाँ पे लेक्चर्स या फिर यहाँ पे जो है बढ़िया कुछ से कुछ और भी जो है बहुत ही हार्ड वर्क आपके साथ करते हैं, या फिर आपको कुछ बहुत ही हार्ड लेवल का सिखाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पहले हमें सामान्य से हमारा क्या होता है यहाँ पे परिचय होता है, और फिर धीरे 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 हम जो है विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, और आगे एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतने परिपक्व हो जाते हैं कि हम दूसरे भी बंदे को नॉलेज देने लगते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भी, जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर हम किसी स्कूल्स में विद्यालय में कहीं पर भी जाके पढ़ाने लगे, क्योंकि भाई आज के टाइम में जॉब का थोड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा आपका इश्यूज़ हैं, सो इसलिए भाई प्राइवेट जॉब्स के लिए भी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे बंदे पढ़ाते हैं। भाई इसे केंद्र की ओर नहीं बल्कि केंद्र से बाहर की ओर होता है डेवलप, जटिल से सरल नहीं बल्कि सरल से जटिल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिर से पैर की ओर, जो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल बेटर होगा, सिर से पैर की ओर। भाई देखो सबसे पहले डेवलप किसका होगा, सिर का होगा, बच्चे का पहला जो है यहाँ पे माइंड सब कुछ ये जो है क्रिएट होगा, सारी चीज़ें इसका डेवलप होगा, और फिर धीरे धीरे आपके फेस के फीचर्स, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी ये जो है आपकी कमर रीढ़ की हड्डी अंदर की, इन सब का डेवलप होगा, फिर आपके जो यहाँ पे क्या है भुजाएँ हैं, बाहें हैं इसका, फिर उंगलियों का, फिर धीरे धीरे जो है आपके यहाँ पे जो है पैरों का, और फिर जो है पैरों की उंगलियों का, इस तरह से जो है बच्चे का डेवलप होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर क्या होता है, विकास होता है। ये पॉइंट्स याद रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ब्लैंक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें बताना है जन संचार माध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम, जन संचार माध्यम। यहाँ पे हमें जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक, देखो हमें पहले बताना है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और फिर हमें बताना है सामाजिकरण का द्वितीय कारक, और बिल्कुल मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हुई है कि भाई सामाजिकरण का अगर पहला कारक पूछे वो क्या है, हमारा परिवार है। क्या है, देखो अगर परिवार ऑप्शन में नहीं है तो पास पड़ोस होगा, और पास पड़ोस भी अगर ऑप्शन में नहीं है सो आपके करीबी दोस्त होंगे, और अगर दोस्त भी ऑप्शन में नहीं है सो आपकी मम्मा, आपकी माँ। तो देखो ये सारे आपके प्राइमरी लेवल के हैं, बाकी के जो यहाँ पे हैं सेकेंडरी, उसमें आएगा आपका विद्यालय प्लस आपकी मीडिया प्लस आपका समाज, जितने भी सारे फिर यहाँ पे संस्थाएं ना बाकी की और सभी, और बहुत अदर यहाँ पे विद्यालय हुआ, मीडिया, समाज और भी बहुत सारे यहाँ पे सभी किस्में आएंगे आपकी सेकेंडरी में आएंगे। अब देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक देखो यहाँ पे कौन सा है, भाई मुद्रित माध्यम नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो वैसे भी हम इस क्वेश्चंस के आंसर्स को कॉमन सेंस के थ्रू भी जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। प्राथमिक कारक परिवार है और द्वितीय क्या है, विद्यालय, बस और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्योंकि पहले बच्चा, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जब बच्चे का बर्थ होता है, बताइए क्या बच्चे का डेवलप यहाँ पे विद्यालय करेगा, क्या सारे यहाँ पे जो है वर्क उसका, भाई एक बालक का कितना वर्क होता है आप सब जो है जानते हैं, कोई यहाँ पे ओपन करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बालक का कितना कितना वर्क होता है और कैसे कैसे जो है उसको हैंडल किया जाता है, जो है रात में
में भी मम्मी पापा उसके पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं अपने बच्चे के साथ में। तो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं। विद्यालय क्यों करेगा लालन पालन पोषण, इसलिए प्राथमिक जो कारक है वो हमारी फैमिली है। और भाई फिर जो सेकेंडरी है वो फिर क्या है, विद्यालय प्लस मीडिया, क्योंकि फिर तो आपका यहाँ पे डेवलप हो ही जाता है। आप भाई चलने कूदने फिरने खाने पीने सब कुछ लगते हैं अपने यहाँ पे, तो बस आप ही वहाँ पे जो है नॉलेज लेने जाते हैं अपने जो है विद्यालय में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। जीन प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें, अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो क्या उत्पन्न होता है, अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, अविकास का समीपस्थ क्षेत्र। अगर हम विकास का समीपस्थ क्षेत्र की बात करें तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये कौन कहते हैं, ZPD, ये तो बात करते हैं वाइगोट्स की। सो इसलिए ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाएगा क्योंकि ये जीन प्याजे का नहीं है, ये क्या है ZPD है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। संरक्षण, देखो यहाँ पे ये भी जो है बात नहीं की है। देखो संरक्षण का मीन्स क्या होता है, मानो कि मैंने आपको जो है यहाँ पे सिखाया कि ये क्या है टी है, फिर वह मैंने, फिर मैंने कैसे सिखाया, तो आप जो है उसके पूर्ण भी रूप पर जा सकते हैं, उसकी पूर्ण आकृति, यानी कि क्या है यहाँ पे, ये मैंने बनाया ग्लास, ये क्या है ग्लास है, ये मैंने आपको ग्लास दिखाया बना के, फिर ग्लास में मैंने ये हैंडल लगा दी, मैंने ये क्या बना दिया, कप बना दिया। तो बिल्कुल अगर मैं इस कप को जो है यहाँ पे हटा देती हूँ ऐसे, तो ये क्या है ग्लास है, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ मैम ये क्या है, ये ग्लास है और ये क्या है कप है, यानी कि आप पहली आकृति को भी जान लेते हैं, वो संरक्षण होता है आपका। देखो अगर संरक्षण का अभाव होता तब आपका यहाँ पे पॉइंट्स होता कि जब आप पूर्व ज्ञान को भूल जाते हैं और नए ज्ञान को ही याद रखते हैं। अब देखो अनुकरण भी नहीं होगा, अब क्या होगा, असंतुलन। बात की गई है जीन प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता। देखो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी, माने कि आपके ही अगर हम जो है एक थ्रू एग्जांपल से बात करें कि आप यहाँ पे CTET का फॉर्म जो है फिल किया हुआ है, तो CTET के एग्ज़ाम्स आप देंगे, और मानो कि देखो आप यहाँ पे जो है CTET में अच्छे मार्क्स जो है नहीं ला पाते या फिर एक दो मार्क्स से रह जाते हैं, तो क्या हुआ आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्या संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं हुई, तो क्या हुआ सब कुछ असंतुलन है, क्या है सब कुछ असंतुलन, क्योंकि भाई मैंने जो चाहा था वो नहीं हुआ या फिर मेरा CTET क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बताइए कि आप संतुष्ट हैं मन से, बिल्कुल नहीं है आप संतुष्ट। सो जब हम किसी स्कीम में संतुष्ट परिणाम हमें नहीं मिलता, अब जब हमें CTET में संतुष्ट परिणाम नहीं मिला तो हमें तो असंतुलन ही फील होगा, है ना, या फिर हम ये थोड़ा है ना कि कोई हम यहाँ पे ढोल बाजे बजवाएंगे कि नहीं मेरा जो है CTET फेल हो गया और मैं बढ़िया से झूम रहा हूँ, ये भाई असंतुष्टि फील होती है, सबको होती है, वो चाहे हमारा किसी भी जो है कैटेगरी का फील्ड हो, किसी भी चीज़ का फील्ड हो, हर चीज़ में असंतुष्टि फील होती है, इसलिए भी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कर रहे थे उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए क्या बना, क्या हुआ असंतुलन हुआ, क्या हुआ हम संतुलित नहीं है, असंतुलन है। चलो नेक्स्ट देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा आपके ही जो है तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ और बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप सही तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को समझें। नेक्स्ट है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें, बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, संवेदी गामक, पूर्व संकीरात्मक, मूर्त संकीरात्मक, औपचारिक संकीरात्मक। देखो यहाँ पर हम बात करें जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चे की अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना जो है स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, पहले तो जीन प्याजे के बारे में थोड़ा समझो, जीन प्याजे कौन सा सिद्धांत देते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और यहीं पर जो है अगर हम बात करें इन्होंने जो है चार अवस्थाएँ यहाँ पर बताई, कितनी, चार अवस्था, जो संवेदी गामक है ये है इनकी 0 से 2, पूर्व संकीरात्मक जो है ये है यहाँ पे 2 से 7, और ये है मूर्त संकीरात्मक 7 से 11, औपचारिक संकीरात्मक है 11 to 18। ओके अब यहाँ पे पूछा है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। देखो वस्तु स्थायित्व का जो मीन्स होता है, मतलब होता है, वो ये होता है कि मानो कि यहाँ पे जो है आपके घर पर बच्चे क्या है 2 साल, 0 से 2 साल तक के बीच के जो कैटेगरी में है, और आपके घर पे डॉगी आया, सो आपकी फैमिली ने या फिर आपने, मम्मा ने, पापा ने, फिर किसी ने भी घर के अंदर मेंबर ने बोला बच्चे को कि देखो बेटा
यहाँ पे डॉगी आया है। और भाई डॉगी क्या करता है, भौंकता है, भौं भौं करता है। क्या करता है डॉगी, भौं भौं करता है, भौंकता है। तो उसे उसकी वॉइस जो है पता चल गया कि हाँ जो डॉगी है वो क्या करता है, भौं भौं करता है, भौंकता है। फिर मानो कि यहाँ पे अभी जो है जो डॉगी है वो हमारे घर पे तो नहीं है लेकिन बाहर रोड पर है, और बाहर रोड पर जब डॉगी भौंक रहा है, भौं भौं कर रहा है, तो बच्चे ने क्या बोला कि मम्मी देखो डॉगी है, पापा जी देखो डॉगी, बाबा जी, दादी जी, या फिर जो भी है यहाँ पे चाचू दादू जो भी है, कि देखो क्या है, बाहर डॉगी है, वो भौंक रहा है। तो उसने जो है यहाँ पे अपने दिमाग में वस्तु स्थायित्व कर ली, चीज़ें क्या कर ली, वस्तु स्थायित्व कर ली। भाई एक बात क्लियर है ना, इस वाले स्टेज में जो ये होते हैं ना 0 से 2, 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इतने टैलेंटेड होते हैं, क्या ही गए, इतना फास्ट होता है इनका दिमाग। अगर तुम इन्हें कुछ भी बोलते हैं ना तो तुरंत से कैचिंग कर लेते हैं हर एक वर्ड्स को ये। सो यहाँ पे जो है डॉगी की वॉइस से ही ये बता दिया इन्होंने कि वो क्या है, बाहर डॉगी है। तो क्या कर लिया इन्होंने अपने जो है दिमाग में फील्ड, क्या वस्तु स्थायित्व कर लिया, क्या कर लिया, वस्तु स्थायित्व कर लिया। अगर गाय है और गाय क्या करती हैं, देखो गाय किस तरह से बोलती हैं, और अगर जो है कहीं पर भी गाय बोलने की आवाज़ गाय की जो है आ रही है, तो बच्चा एकदम कहता है कि क्या है, गाय है, गैया है। इस तरह से जो है वर्ड्स एकदम उसने वस्तु स्थायित्व कर लिया अपनी माइंड में। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया। सो ये कौन से स्टेज में होगा भाई, संवेदीगामक में होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आपको ये जो है यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन है। और ये मैंने थ्योरी में भी ये चीज़ें मैंने समझाई हुई है। यहाँ पे रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, ये किसका क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। पहले समझन के बारे में थोड़ा, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कितने यहाँ पे इनके जो है चरण है, 3। कितने उपचरण है, 6। 3 यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बताए हैं, चरण बताए हुए, 6 इनके क्या है, उपचरण है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। देखो यहाँ पे आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास नहीं, यांत्रिक नहीं, अच्छा लड़की अच्छी लड़की तो बात ही नहीं है। क्या है, चोरी करना क्या है, अपराध है। अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें क्या हो सकती है, कानून और व्यवस्था के अनुसार तुम्हें जो है यहाँ पे दंड भी दिया जा सकता है, सजा भी हो सकती है। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, कानून की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कानून के तरीके से चोरी करना क्या है, अपराध है। देखो ये स्टोरी आपने सुने भी होगी, जो यहाँ पे कौन है, कोहलबर्ग है। कोहलबर्ग ने जो है एक स्टोरी बनाई थी हेंज के ऊपर, किसके, हेंज के ऊपर एक स्टोरी बनाई थी। और इन्होंने कहा था कि जो हेंज की जो वाइफ है वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, और उसे इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ उसका इलाज जो है बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो अगर है भी तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। अब उसके सामने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हुई, उसके पास में पैसे नहीं थे और उधर उसकी जो वाइफ थी उसकी जान बिल्कुल जाने वाली थी, बहुत जोखिम में थी, यानी कि उसकी डेथ होने वाली थी, अगर उसे वो दवाई नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है, अपराध है। अगर हेंज पैसा चुराएगा फिर दवाई चुराएगा तो समाज क्या कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं चुराना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये समाज के अनुसार क्या है, गलत है, और फिर तुम्हें कानून और व्यवस्था के अनुसार तुम्हें सजा और दंड भी यहां पे दिया जाएगा क्योंकि चोरी करना क्या है भाई, अपराध है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहीं पे कुछ ये भी कह रहे हैं, यहीं पे कुछ ये भी कहते हैं कि भाई दवाई तो फिर भी बन जाएगी लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो वाइफ है, वो दोबारा पुनर्जीवित नहीं होगी, इसलिए तुम्हें क्या दवाई चुरा लेनी चाहिए, तुम्हें क्या है दवाई चुरा लेनी चाहिए। लेकिन यहां पे जो है कुछ एक और टर्म्स निकल के आए, वो क्या है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, वो दुविधा में है, क्या है, दुविधा में सिर घूम रहा है कि क्या करूं, करूं तो क्या करूं, क्या नहीं करूं। अगर मैं यहाँ पे चोरी करूंगा तो बिल्कुल समाज मुझे गलत कहेगा, कानून मुझे गलत कहेगा, और अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, अगर मैं जो है दवाई नहीं चुराऊंगा तो मेरी वाइफ मुझे क्या कहेगी, गलत कहेगी कि हाँ मेरे जो है हस्बैंड ने मेरी जान नहीं बचाई। तो भाई देखो कितनी प्रॉब्लम्स उसके सामने क्रिएट हुई है। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास।
समझ आ गया होगा ना। देखो बहुत ही सिंपल था और बेहतरीन था, और सही से मैंने एक्सप्रेशन से भी किया आपके सामने। लेवाई गोस्की के विचारों के अकॉर्डिंग बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें जो कथन सही है ना वो बताना है, किसके अकॉर्डिंग? वाई गोस्की के। सामाजिक वर्गीकरण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो लेवाई गोस्की के विचारों के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा कथन करेक्ट है? देखो सामाजिकरण पृथकीकरण अधिगम में, पृथकीकरण का मतलब क्या हुआ? समाज में अलग अलग कर देना। क्या? समाज में अलग अलग कर देना, समाज को फाड़ देना। क्या कर देना? समाज को डिवाइड कर देना। तो समाज की तुलना करना है, फिर समाज को फाड़ देना। पृथकीकरण कर दो, अलग अलग कर दो। क्या कर दो? अलग अलग कर दो। क्या ये अधिगम में योगदान देगा सीखने के प्रति? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत कहेंगे। क्या बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सबसे अच्छी तरह, देखो क्या बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना अच्छी तरह सीखते हैं? आप बताइए मुझे, आप स्कूल्स में गए, आप विद्यालय में गए, अगर आप लोगों को टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो आप कैसे सीखेंगे? अगर टीचर्स आप सबको नहीं पढ़ाएंगे तो आप कैसे सीखेंगे? क्या सीख पाएंगे आप? अगर घर पर आपके पेरेंट्स आपको नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे सीखेंगे आप? अगर कोई भी आपके सामने कुछ भी न बोले तो कैसे सीखेंगे आप? बिल्कुल नहीं सीखते ना। बिल्कुल सहयोग के बिना हम बिल्कुल नहीं सीख सकते, समझे? तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में क्या अवरोध पैदा डालती है? नहीं, अवरोध नहीं, बल्कि संकेत और मदद अगर हम किसी की करते हैं यहाँ पे, तो उसे क्या मिलता है? एक जो है यहाँ पे आगे बढ़ने का एक जरिया प्राप्त होता है, ना कि ये अवरोध डालता है। मानो कि हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम है, क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो हमसे जो है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? या तो अगर हम विद्यालय में हैं तो अपने जो है टीचर्स लोगों से पूछेंगे, अपने घर पे हैं तो अपने भाई बहन या फिर अपनी मम्मी पापा भाई उनसे पूछेंगे हम। कुछ भी देखो, प्रॉब्लम्स ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ही लेवल पर, प्रॉब्लम्स आपको किसी भी चीज़ में क्रिएट हो सकती है। तो बताइए क्या हम दूसरे का सहयोग नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोई सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। बिल्कुल। और वाई गोत्सकी यही कहते हैं कि बच्चा किस माध्यम से सीखता है? संस्कृति में और समाज में ढल कर ही अपने, उसी के माध्यम से बच्चा जो है सीखने की कोशिश करता है और सीखता है, और ये क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में योगदान भी देता है। आगे देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी जो है आपका वाई गोत्सकी का ही है। बात करें लेवाई गोस्की के अकॉर्डिंग, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण है, सहभागी अधिगम है, व्याख्यात्मक शिक्षण है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन है। तो वाई गोस्की के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देखो कभी भी निष्क्रिय अनुकरण की बात नहीं करेंगे वाई गोस्की। वाई गोस्की जो है निष्क्रिय अनुकरण की बात करते ही नहीं है, तो पॉजिटिव टर्म्स जो है टर्म्स की बात करते हैं। भाई व्याख्या क्या? आप छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे से बालक है क्या, आप उनको व्याख्या के थ्रू सिखाएंगे यहाँ पर कि बढ़िया बढ़िया पूरे बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं हम? और क्या भाई, तुम्हारे समझ आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है मेरा क्या मीन से मतलब है कि मुझे तो बस लेक्चर्स देना है तुम्हारे सामने। मैं यहाँ पर बढ़िया से लेक्चर्स दे के चले गया कि ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बॉल होता है कि और भी मैंने इसके अदर्स जो है सेंटेंस बना दे कुछ भी यहाँ पे, या फिर अपने जो है बकबक करके हम चले गए, लेकिन बच्चे की समझ आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, ये नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन ये बात ही नहीं करते लेवाई गोस्की। करेक्ट आंसर होगा सहभागी अधिगम। किसकी बात करते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसकी? सहयोग के थ्रू जब हम सीखते हैं तो वो अधिगम कितना बेटर होता है, बहुत ही। देखो आप जो है यहाँ पे जब तक अनुकरण नहीं करेंगे भाई, तब तक आप कैसे सीखेंगे? जब आपके सामने कोई नहीं बोलेगा तब तक आप उसका अनुकरण नहीं कर पाएंगे। यही बात कही गई है कि हम एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं सीख सकते, हम एक दूसरे के सहयोग के ही जो है आधार पर अधिगम करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखो नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षा किसके अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालक किसमें है? सेंटर में है। बालक किसमें है? सेंटर। बालक सेंटर, बालक बीच में बैठा हुआ है। इसके आसपास क्या है? शिक्षक है। इसके आसपास क्या है? टीचर है। टीचर, टी टी से क्या है? टीचर। इसके आसपास क्या है? टीचर है। जैसे जैसे बालक चाहेगा टीचर्स वैसे ही इसको हैंडल करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे जो है बालक चाहेंगे टीचर्स वैसे वैसे ही हैंडल करेंगे। टीचर्स का कोई भी अपना यहाँ पे जो है माइंड नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे अपने थ्रू करना है, नहीं,
नहीं, बच्चे के ही अकॉर्डिंग शिक्षण यहाँ पे कराना है एक टीचर्स को। तो बालक क्या है? भगवान है। बालक क्या है? भगवान है। और भगवान को थोड़े ना निराश किया जाता है, भगवान से तो जो है उसी के थ्रू चला जाता है। तो चलिए इस तरह से जो है आप सीखने की थोड़ा कोशिश करिए। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होगा, पुरस्कार और दंड। क्या हम बच्चे को पुरस्कार और दंड देंगे? मानो कि बच्चे ने नहीं सीखा तो उसे जो है हम फटाफट मारेंगे, फटकारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, गलत है। या फिर योग्यता के सत्तावादी मत का जो है विकास करेंगे, उसकी योग्यता के जो है आधार पर ही हम उसका जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नहीं भाई, आप बताइए, छोटा बालक है क्या अभी जो है आप उसमें, भाई आपके पास में ही तो पढ़ेगा तभी तो उसमें कुछ योग्यता क्रिएट होगी। या फिर स्टार्टिंग में ही वो अपनी मम्मा के पेट में सीख के आया है, ऐसा थोड़ा ही ना है। अगर उसमें इतनी जो है क्वालिटी है तो क्यों आएगा आपके सामने सीखने के लिए, बताओ? क्यों यहाँ पे जो है अपने पैसे वेस्ट करेंगे और अपने टाइम भी वेस्ट करेंगे? तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि आप स्टार्टिंग में जो है बालक का, जब बालक फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने आता है तभी आप उसकी योग्यता के ही अकॉर्डिंग उसका एडमिशन लो। नहीं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान देंगे। बिल्कुल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तो हमें इससे ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा है। आपकी क्लास में 40 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे, जितने भी चाहे बच्चे हैं, आपको हर एक बच्चे पर ध्यान देना है। क्या देना है आपको? हर एक बच्चे पर ध्यान देना है। और सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही नहीं देना है, सभी बच्चे जो है अलग अलग कैटेगरी के, सभी बच्चे अलग अलग जो है आपके क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग सबका IQ लेवल है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग पर्यावरण है, खाना पीना रहना, बिल्कुल सारी चीज़ें क्या है, सभी बच्चे के अलग अलग है, बातचीत करना, भाषा, सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन हमें व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान रखना है और उसको इम्पोर्टेंस भी देनी है क्लासेस में। चलो, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही बेहतरीन सा जो है क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि। देखो, जो हार्वर्ड गार्डनर है यहाँ पर, ये कौन सा सिद्धांत देते हैं? बुद्धि। किसका? बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो है NCERT के अगर हम थ्रू बात करें, NCERT के थ्रू बात करें, तो इनकी 8 प्रकार की बुद्धि है। वैसे अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इनकी 9 बुद्धि है। कितनी है? 9 यहाँ पे हो चुकी है। देखो, हार्वर्ड गार्डनर जो है ये कहते हैं कि भाई जो है यहाँ पे एक चाहे बालक या फिर बंदा हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, समय जो है भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है? बुद्धि होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बुद्धि नहीं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। अब यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे जो है एजुकेशन के फील्ड पे ही बेटर है, नहीं। मानो कि हम जो है एजुकेशन, हम जो है स्कूल्स में, विद्यालय में जाते हैं, सो यहाँ पे गेम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? गेम्स भी, प्लेइंग भी जो है यहाँ पे खेले जाते हैं। तो ये नहीं कि आपकी जो है क्रिकेट में या फिर जो भी अदर्स गेम्स है उनमें बुद्धि आपकी नहीं है, बिल्कुल है। आपका जो है मन करता है कि मैं क्रिकेट भी खेलूं, या फिर ये भी मन करता है कि मैं जो है अच्छे मार्क्स लाऊं, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही फील्ड में बेटर होंगे, नहीं। आप प्लेइंग के खेल में बेटर होंगे, सिंगिंग में बेटर होंगे, सॉन्ग में बेटर होंगे, और यहाँ पे कह सकते हैं आप जो है स्थानिक बुद्धि में बेटर होंगे, और आप जो है दूसरों की बातों को समझने में बेटर होंगे, अपने खुद के मनोभाव को समझने में बेटर होंगे। भाई बहुत सारी बुद्धि है, आप एक इंसान हैं, और इंसान जो है क्या है? पूरा यहाँ पे कंप्यूटर है। क्या है? पूरा कंप्यूटर है। बहुत ही जो है माइंडेड है। सो यहाँ पे देखो कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, नहीं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जीविक आधार ही नहीं है, जन्म से ही स्थिर है, और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, नहीं। बल्कि बुद्धि जो है ना कई प्रकार की होती है, और व्यक्तियों के पास में विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। मानो कि एक बंदा है, एक क्या है? बंदा है, और उस बंदे के पास में इतनी बुद्धि होती है कि उसकी जो बुद्धि है यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में भी है, प्लेइंग के फील्ड में भी बेटर है, विद्वान है, और तो और यहीं पे अगर गाना यहाँ पे बोले जाए कि गाना चलो सिंगिंग करो, उसमें बेटर है। क्या है उसमें बेटर है? अगर पूछे कि तुम इस बंदे को थोड़ा जान पहचान सकते हो, उसको भी बेटर से जो है समझा देंगे कि हाँ ये बंदा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो देख लो कि बंदे के पास में कितनी बुद्धि है, क्या है? कितनी बुद्धि है, समझे? तो यही बात कही गई कि सबके पास में क्या होते हैं? कई प्रकार की बुद्धि होती है, इसका एक स्तर नहीं होता, विभिन्न स्तर होते हैं, और सब जो है भिन्न प्रकार की बुद्धि रखते हैं। सो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखो, और यहाँ पे अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। चलिए, अभिकथन और तर्क वाला। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्दे समृद्ध प्रवेश के सृजन पर बल देता है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, और भाषा विकास पूरी तरह से जेवी के परिपक्वता पर डिपेंड है। तो सही विकल्प चूज करें। अभिकथन की बात करें, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्दे समृद्ध, भाई जो मुद्दे समृद्ध परिवेश है, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है, बिल्कुल क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कि सर्जन पर बल देता है।
बात कर रहे हैं अधिगम सामाजिक रचनावादी सिद्धांत बिल्कुल यहाँ पे जो है सहज रूप से सीखने की जो है कोशिश कराता है, और एक बच्चा जो है अपने समाज में किस तरह से ढल करके जो है बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखता है और करने की कोशिश भी करता है। तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे कही गई है। और फिर कक्षा में मुद्दे समृद्ध परिवेश के सर्जन पर भी क्या देता है, बल देता है। बिल्कुल पॉजिटिव बात है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता, अपने आप ही 100% क्या है श्योर है। लेकिन यहीं पर अगर हम तर्क की बात करें, रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की क्या कोई भूमिका ही नहीं होती? बताइए क्यों नहीं होती विद्यालय के परिवेश की भूमिका? बिल्कुल होती है, वो बिशली होती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पर हमें और ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन को आप जो ही चूज कीजिए। ए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आर क्या है, गलत है बस। और क्या यहाँ पे हमारा सी जो ऑप्शन है ना वो बेटर होगा। चलो आगे देखो, और ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ये आपका जेंडर बेस है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन ब्लैंक को बढ़ावा देते हैं। जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, भाई लड़के बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। यहीं पे जो गर्ल्स है, जो लड़कियां है, क्या है, नरम है और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन को आप किस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई लड़कियां तो जो है क्या करने लगती, रोने लगती है, या फिर बॉयज़ रोते नहीं है वो वगैरह वगैरह। और भाई कुछ भी देखो यहाँ पे जो है इस तरह से कह रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें इस तरह से कि जो है आपकी और भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे जो है अगर और बात करें, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं ना कि लड़की जो है सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करेगी, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन जो है साफ करना, इस तरह के ही वर्क करेंगी, और जो यहाँ पे लड़के हैं वो दफ्तर को संभालेंगे या फिर बाहरी काम करेंगे या फिर बाहर जाके काम करेंगे, और गर्ल्स जो है बाहर नहीं जा सकती। इस तरह के अगर जो है यहाँ पे बहुत ही अदर जो है इन्होंने इशूज क्रिएट किए हुए हैं कि लड़की वो नहीं कर सकती ये नू। आप मुझे बताइए क्या सभी लड़के क्या पावरफुल होते हैं? क्या सभी लड़के पावरफुल होते हैं? क्या सभी लड़के कठोर होते हैं? आप मुझे बताइए, आज बताइए, क्या सभी लड़के शक्तिशाली होते हैं? क्या सभी लड़के कठोर होते हैं? बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्या सभी लड़की नरम और संवेदनशील होती है? कुछ लड़की इतनी जो है झगड़ालू और भाई बहुत ही कठोर दिल की होती है, क्या होते हैं, बहुत झगड़ालू कठोर दिल की, बहुत माइंडेड इस तरह की होती है, समझे आप? तो ये दोनों में ही गलत है, लड़के जो है बहुत पावरफुल या कठोर, ये दोनों बच्चों में क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं समाज में। और इससे क्या होगा, आपका स्तर जो होगा ना अधिगम का बिल्कुल लो होगा, और आपका जो देश का भी विकास होगा वो भी क्या होगा, लो होगा, और आपका भी जो विकास होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। तो ये क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ये आपका यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। जब आप दोनों ही कैटेगरी में गर्ल्स एंड बॉयज में भेदभाव क्रिएट करेंगे तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। ये बात याद रखनी है, और यहाँ से स्पेशल एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम्स में, बिल्कुल ये आप यहाँ पे नोट कर लो, आज यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है अलग अलग कैटेगरी के थ्रू बनता है, अलग अलग बेस के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित जो है नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ पे भाई निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव ही हमें ऑप्शन चूज करना है। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता, वो ही मैंने बताया कि भाई एक क्लास में जितने बच्चे हैं सब क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सबका आईक्यू लेवल डेवलपमेंट सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है यहाँ पे। सो हमें जो है उनके एक बेसिस के थ्रू क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ, बिल्कुल उन्हें हम बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत कराएंगे। देखो एक जो है टीचर्स को अपने सभी स्टूडेंट्स की आईक्यू लेवल का पता चल जाता है धीरे धीरे कि हाँ ये बच्चा कितना कर सकता है और ये बालक कितना कर सकता है, तो वो उसके बेसिस पर जो है उसे होमवर्क देता है करने को, या फिर जो भी यहाँ पे है सभी उसी के बेसिस के थ्रू देता है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर दो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 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 डी ऑप्शन ही गलत होगा, और यही सही होगा कि उनका बहुविध तरीके से हम नामीकरण, लेबलिंग में पृथकीकरण करना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नताओं में मानो कि यहाँ पे कुछ बंदे क्या है, कुछ बच्चे क्या है, पूरे पावरफुल है, पूरे इंटेलिजेंट है, क्या है, पूरे इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली, जिसका आईक्यू लेवल 140+ है। आप इस तरह के बच्चे को, या फिर जो सामान्य बुद्धि का है, या फिर जो जड़ बुद्धि का है, जो मन
बहुत दिखाए, आप इन बच्चों में क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, भेदभाव क्रिएट करेंगे यहाँ पर कि भाई तुम तो क्या है इंटेलिजेंट हो, तुम एक कैटेगरी में आओ और तुम क्या है बिल्कुल लो, तुमसे कुछ नहीं आता, चलो तुम यहाँ से स्कूल से निकलो, बाहर जाओ, या फिर उसकी पिटाई विटाई करो। क्या आप इस तरह से जो है अपनाएंगे अपने सभी स्टूडेंट के साथ में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लेबलिंग और नामीकरण आपका ऑप्शंस में आता है, सरासरी ये क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी टेट का सरासरी ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। सो हमसे नेगेटिव पूछा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखो भाई, 14 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, आकलन असेसमेंट, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अकॉर्डिंग उन्हें आगे कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक देना, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, बांट देना उन्हें। आप जो है अपने सभी स्टूडेंट्स के प्रति ये चीज क्रिएट करना कि भाई राम तुम श्याम से ज्यादा मार्क्स लाओगे, सीता तुम गीता से ज्यादा मार्क्स लाओगे। क्या आप सभी अपने बच्चों में इतने जो है यहाँ पे अलग अलग जो है तुलना करेंगे? नहीं, मैं टीचर्स हूँ, मैं क्या है टीचर्स हूँ, मेरा क्या दायित्व है, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों, मेरा ये दायित्व है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, 1,000 है 2,000 है 300 500 600 जितने भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी वीडियोज देख रहे हैं, मेरा ये मन है कि सभी मेरे सारे फ्रेंड्स 20 प्लस लेके आए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई मोहन होगा, कोई इसमें सोहन होगा, या फिर कोई इसमें क्या होगा यहाँ पे कुछ भी होगा भाई, ठीक है, या फिर कोई इसमें जो है रुई होगी, कुछ भी यहाँ पे मैं नाम ले दूँ कि बस यहाँ पे वही 120 प्लस ला सकती है, तुम नहीं लेके आओगे, क्या मैं ये कहूंगी आपको? नहीं, मैं यही चाहूंगी मेरे जितने फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं सभी 120 प्लस लेके आए और यहाँ पे सीटेट की खोपड़ी में छेद करके आए। मैं ये कहूंगी आप लोगों को, न कि मैं यहाँ पे आपको वर्गीकृत करूंगी, नहीं गलत हुआ, बिल्कुल नहीं करूंगी, या फिर मैं आपको रोकूंगी प्रोन्नत करने से, तुम्हें सीटेट क्वालिफाई नहीं करना है, तुमसे नहीं होगा, मैं तुम्हें रोकूंगी क्या? गलत होगा ये भी। एक मिनट, या फिर देखो मैं आपको जो है परीक्षा के प्रति भय, मैं आपको कहूंगी कि सीटेट तुमसे नहीं होगा, क्या कर रहे हो, अपना बैठ जाओ आराम से और अपना जो है और कुछ काम कर लो, है ना। मैं आपके अंदर डर पैदा कर रही हूँ भाई, सीटेट इतना हार्ड है, क्या तुम सीटेट कर पाओगे, क्या तुमसे नहीं होगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ जाके अपना काम कर लो, रहने दो, कुछ नहीं करो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल मत करो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? क्या मैं आपके अंदर इस तरह के जो डर है, मोटी जो यहाँ पे डीमोटिवेट है, क्या मैं आपको ये करना पसंद करूँगी? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल आपसे ही जोड़ के हुए चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी को खूबियों और चुनौतियों की पहचान कराना, मैं आपको ये कहूँगी बिल्कुल सीटेट को फोड़ के आओ, तोड़ के आओ, सीटेट के जो सीटेट के एग्ज़ाम है ना उसकी खोपड़ी में छेद करके आओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ और बेहतरीन तरीके से रात दिन एक कर दो पढ़ाई में अपनी। मैं आपको इस तरह से जो है यहाँ पे चुनौती दूंगी और आपकी खूबियों की पहचान कराऊंगी, आप कर सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो बी ऑप्शंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमें इस तरह से करना है, समझे? तो नहीं कि यहाँ पे जो है बच्चे में डर पैदा करो, उनकी तुलना करो, ये नहीं करना है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का समन्वित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का जो है संवर्धन करना चाहेंगे? अभी सारे चिंतन, सवचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। वैसे आप सब जानते हैं निष्क्रिय अनुकरण कभी भी नहीं होगा, कंठस्थीकरण डाटा फिक्शन करवा दो यार कि देखो मेरा पीरियड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ, बस और क्या करो, रेटाफिकेशन कर लो, ये बुक है इसमें ये पोएम्स दी हुई है, इसको रट के आ जाना बस, क्या इसको रट के आ जाना, समझ आया नहीं आया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी सारी चिंतन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है बेसिस रहता है, एक ही क्वेश्चन बेस रहता है, एक ही क्वेश्चन बेस रहता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पुटअप किया कि प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपने आंसर दिया कौन, नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पे आप अलग अलग जो है आंसर्स नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए ये भी नहीं होगा। सो समान यहाँ पे लोचनात्मक चिंतन का समुन्नत हम करना चाहते, तो ऐसा करने के लिए आप इनमें से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, सौ चिंतन प्रतिबिंबन। जब हम खुद से यहाँ पे तर्क वितर्क करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से कुछ भी हमारे सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम अलग अलग डायरेक्शन में खोजने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश। वहीं आपने ये पावलो हुए या फिर स्किनर हुए उनके यहाँ पे जो है
सिद्धांत पढ़े होंगे ना, या फिर जो वहाँ पे कोहलर है, हाँ कोहलर ने यहाँ पे चिंपेंजी का एक सिद्धांत दिया था ना कि कैसे जो है चिंपेंजी होता है और यहाँ पे जो है किस तरह से वो और यहाँ पे जो है कौन है कोहलबर्ग है, सॉरी वो है थोर्नडाइक, थोर्नडाइक ने जो है आपका यहाँ पे दिया था किसका बिली वाला कि किस तरह से जो है रोटी वोटी लेती है। तो ये जो सभी सिद्धांत हैं किस बेसिस पर है, अभ्यास, तत्पर रहो, मानो कि आज हमारे कम मार्क्स आए, नेक्स्ट रिसीटेट दो, फोड़ के आएंगे, क्या आएंगे, फोड़ के आएंगे, और बिल्कुल हम यहाँ पे टीचर्स भी बन के दिखाएंगे और सफल भी हम होके दिखाएंगे पूरे समाज में। इस तरह की क्वालिटीज़ रखो अपने आप में, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे ये 15 ही क्वेश्चन थे, और भाई आप मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ आए कि नहीं आया। देखो मैंने तो अपना बिल्कुल 100% देने की कोशिश की और जितना भी मुझसे हुआ मैंने यहाँ पे आपके लिए किया। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ क्वेरी है, ये है लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। अगर आपको जो है सेशन बेस्ट लगता है तो आप सेशन को कंटिन्यू जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर देना, और हाँ कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, या फिर कोई डाउट्स है, कोई त्रुटि है, जो भी आप बता सकते हैं। और आप अपनी फ्रेंड्स लोगों को सेशन शेयर कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। सो अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और भाई कोई भी अगर मिस्टेक्स हुई बाय मी सो बिल्कुल आप मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। और चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।